हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दिस इज सीमा एंड आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन टूडे सेशन देखिए आज के सेशन में आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू ऑल विद योर सिलेबस ऑफ बायोलॉजी आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनी चैप्टर आई विल इंट्रोड्यूस यू ओनली विद योर सिलेबस इन दिस लेक्चर एंड फ्रॉम टुमोरो वी विल स्टार्ट अवर सिलेबस सी आई एम गोइंग टू टेल यू दिलेबस दैट होल ईयर वट यू हैव टू स्टडी इन बायोलॉजी देखिए आपके प्लस वन बायोलॉजी में टोटल फाइव यूनिट्स हैं जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल थर्ड यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट फोर्थ प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट फिफ्थ ह्यूमन फिजियोलॉजी तो देखिए आपके प्लस वन के सिलेबस में फाइव यूनिट्स हैं तो अब मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि आपको पूरे फाइव यूनिट्स में क्या स्टडी करना है देखिए आपका फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस यूनिट का नाम बता रहा है डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है अलग अलग तरह के तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं लाइक सम ऑफ द ऑर्गेनिजम लिव इन वाटर एनिमल्स सम लिव इन एयर तो हमारे अर्थ पर कौन कौन से टाइप के एनिमल्स हैं और उनकी क्लासीफिकेशन इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि वट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं आफ्टर दैट आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है क्लासीफाई करना डिवाइड करना तो आप इसमें पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स द अरेंजमेंट और द ग्रुपिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसके अंदर आप जो क्लासिफिकेशन में अगर आपको याद हो तो आपने नाइन्थ क्लास का आपका जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ उसमें आपने बहुत सारी फाइलम्स किंगडम्स पढ़े थे तो आप जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वही पढ़ने पढ़ेंगे तो आप इसमें आपका एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसमें आप क्या करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटे एनीमेलिया इफ यू रिमेंबर तो आपको इसमें उन्हीं का आइडिया लेना है आफ्टर दैट जो लास्ट टू किंगडम्स हैं किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनीमेलिया तो हमारा थर्ड चैप्टर क्या है किंगडम प्लांटे जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे आफ्टर दैट किंगडम एनिमेलिया जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट यूर यूनिट फर्स्ट तो देखिए मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है प्लस वन के सिलेबस में आफ्टर दैट आपका आगा, आएगा यूनिट सेकेंड दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या मीनिंग है कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे अरेंज हैं जैसे प्लांट्स में आप देखते हैं कि रूट्स स्टेम लीवस डीजर प्रेजेंट तो एंड एनिमल्स में आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के बारे में तो आपको इन प्लांट्स और एनिमल्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बतानी है इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखिये मोरफोलॉजी टू टर्म्स आती हैं एक मोर्फोलॉजी एक एनाटमी मॉर्फोलॉजी क्या होती है मोर्फो यानी कि लॉजी का मतलब स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ दी मोर्फो मतलब एक्सटर्नल फीचर कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं दिस इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी कि अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स की मोरफोलॉजी पढ़े तो उसमें क्या आता है उसमें उसकी रूट्स स्टेम्स लीव्स ब्रांचेस फ्रूट्स फ्लावर्स तो द फीचर्स दैट दैट आर क्लियरली विजिबल जिसको आप बाहर से देख पाते हैं दैट इज मार्फोलॉजी तो आप इसमें प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर कि प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके अंदर की स्टडी तो आप इसमें प्लांट के अंदर एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टिश्यूज हैं जो प्लांट्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं आफ्टर दैट आप देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कि इसी तरह से यहाँ पर प्लांट्स के अंदर टिश्यूज देखने हैं यहाँ पर आपने क्या देखना है एनिमल्स की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखनी है कि एनिमल्स में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं आफ्टर दैट आएगा आपका थर्ड यूनिट देखिए थर्ड यूनिट में आपको क्या स्टडी करना होगा यूनिट का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये भी आपने नाइन्थ क्लास के सिलेबस में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सेल के बारे में कि सेल क्या है व्हाट सेल के जो कंपोनेंट्स कौन से हैं लाइक like जिसमें आपका सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके कंपोनेंट्स देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी माइट्रोकोंड्रिया लाइजोजोम्स वैक्यूल्स न्यूक्लियस तो आप क्या करेंगे इसमें प्लांट की सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे एंड फंक्शंस तो फंक्शन क्या है जैसे हमारी सबकी बॉडी चाहे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं सबकी बॉडी क्या सेल्स ही तो बनी है तो आप इसमें सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे आप इसी यूनिट का आपका फर्स्ट चैप्टर है द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जिसमें आप वही सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेकेंड है आपका चैप्टर इसी यूनिट का बायो मोलिक्यूल देखिए बायो का मतलब क्या होता है लिविंग मोलिक्यूल का मतलब मोलिक्यूल्स यानी कि वो मोलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं यानी हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कौन से टाइप्स के मोलिक्यूल से बनी है हम सबको पता है कि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड न्यूक्लिक एसिड तो इनसे बनी है तो आपको क्या करना है आपको इन्हीं बायो बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी स्टडी करनी है उनके फंक्शंस पढ़ने हैं आफ्टर दैट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जो हो सकता है आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपको पता है कि एक सेल है सिंगल सेल जो होता है वो डिवाइड कर डिवाइड uh, करता है एंड टू सेल बनाता है टू से फोर बनते हैं फोर से एट बनते हैं तो क्या होता है जो सेल की डिवीजन है सेल्स गेटिंग मल्टीप्लाई तो वो जो एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है तो ये चैप्टर आपके लिए नया है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डीएनए जो डीएनए का जो डबल होना सेल की ग्रोथ होना तो ये चैप्टर में आप सारा सेल साइकिल के और ये सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे आफ्टर दैट है आपका यूनिट फोर्थ यूनिट फोर्थ में आपका है प्लांट फिजियोलॉजी देखियो फिजियोलॉजी क्या होता है फिजियोलॉजी होता है कि जो बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्ग जो एक्टिविटीज हो रही हैं द स्टडी ऑफ द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इसमें आपका जो है जो प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हो रही हैं फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कि हाउ द मोलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बॉडी लाइक जिसमें आपने जाइलम फ्लोएम आपने टेंथ क्लास में इसको पढ़ा है लाइफ प्रोसेसिस में तो आप उसको थोड़ा ब्रॉड में पढ़ेंगे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स आफ्टर दैट मिनरल मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से मिनरल रिक्वायर्ड हैं उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस या कौन सा मिनरल कौन सा रोल प्ले करता है आफ्टर दैट फोटो सिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिल्कुल बेस है बायोलॉजी का दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कि हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेन्स ऑफ सन लाइट देखिए आपने टेंथ क्लास में क्या किया है फोटोसिंथेसिस का जर्नल पढ़ा है बट प्लस वन क्लास में आप फोटोसिंथेसिस का पूरा मकैनिज्म पढ़ेंगे कि जो फोटो सिंथेसिस है दैट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन तो आप इसमें पूरा मकेनिज्म पढ़ेंगे आफ्टर दैट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपने टेंथ क्लास में पढ़ा है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस तो आप इसमें रेस्पिरेशन का पूरा जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे आफ्टर दैट ग्रोथ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है ये होता है कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट जो आपने हॉर्मोन्स के बारे में सुना है देखिए हॉर्मोन्स के बारे में आपने टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं दीज आर द रेगुलेटर ऑक्सिन गिबेलिन साइटोकाइनिन एपसिक एसिड यानी कि प्लांट के जो ग्रोथ हॉर्मो जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं व्हाट दे आर एंड वट्स देयर फंक्शन आप इसमें प्लांट की ग्रोथ के बारे जो इसमें आप प्लांट्स के जो ग्रोथ हॉर्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे आफ्टर दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने थोड़ा टेंथ में पढ़ा हुआ है यानी कि द फिजियोलॉजी मीन्स वही द स्टडी ऑफ द वाइटल एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इसमें हमने क्या करना है ह्यूमन के अंदर होने वाली वाइटल एक्टिविटीज पढ़नी है जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी आपकी फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन कि हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग आप इसके अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन इसमें आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड देयर एलिमिनेशन एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड देयर एलिमिनेशन जिसमें आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट इसमें आप मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द मसल्स कॉजेज द मूवमेंट नेक्स्ट आप पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आप न्यूरल कंट्रोल मतलब नर्वस कंट्रोल uh, मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है लाइक like ब्रेन से रिलेटेड आप इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे देखिए क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बॉडी है उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज मीडिएटेड बाय अवर नर्वस सिस्टम एज वेल एज बाय द हॉर्मोनल सिस्टम तो आपको जो लास्ट टू चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर फिफ्थ एंड चैप्टर सॉरी चैप्टर नंबर नंबर सेवन यूनिट फिफ्थ इसमें आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है सिक्स चैप्टर में आपको नर्वस सिस्टम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है और सेवन्थ चैप्टर में आपको केमिकल कंट्रोल मींस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स यानी आपने जो एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स एंड उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ प्लस वन बायोलॉजी तो डोंट वरी इट्स वेरी इजी आई विल मेक इज इजी फॉर यू And uh, uh, tomorrow, when we will start our uh, syllabus, then we will start with our unit number fifth. Yes, we will start with unit number fifth. And in unit number fifth, tomorrow, we will start with human physiology and we will start our first chapter of unit fifth that is digestion and absorption. This is all about your syllabus. Thank you.